ये ब्रिज ना पूरा हिल रहा है देखो। तो ये ले लिया प्रसाद और मंदिर की लाइन देख लो कितनी है। अब तो आएगा आएगा पूरा आएगा, नहीं नहीं अब आएगा पूरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज चारधाम यात्रा का आज आखिरी धाम है बद्रीनाथ धाम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रात को मैं पीपलकोटी में रुका था और यहाँ से तकरीबन 3-3.25 घंटे का रास्ता बद्रीनाथ धाम का है। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए 5 बजे और 6 बजे तक रेडी होके हम निकल चुके हैं। और मौसम देखो यहाँ का कुछ मतलब फॉगी हो गया है, तो टोपी वगैरह पहन लिया, जैकेट वगैरह पहन लिया है। तो रात को एक्चुअली मैं यहाँ रुका था, ये मतलब सरकारी गेस्ट हाउस है और बजट में है लेकिन ठीक है, बढ़िया है। मतलब हम 8 लोगों को 2700 रुपये में पूरा अच्छा खासा होटल मिल गया था। और ये कुछ है अंदर से ऐसा कुछ बैठता वो मैंने दिखाई दिया, और सामने का वेदर कुछ ऐसा है। तो प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से अभी सुबह हमने सिर्फ चाय वगैरह पिया हल्का सा, और रास्ते में फ़िलहाल अगर लगेगा तो कुछ चाय एक बार और पी लेंगे और सीधा दर्शन, बाकी सिर्फ दर्शन करने के बाद ही पियेंगे। और फिर आज का जो भी शेड्यूल रहता है मैं आपको बताता हूँ। तो लगे रहे वीडियो में। बाकी सारे लोग यहाँ पे तैयार हो गए, नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। इस बाइक को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, ये एकदम एक्मेटाइज हो गया, इसको कहते हैं एक्मेटाइज हो गया है यहाँ के वेदर में, तो इसको ठंड नहीं लग रही है। ये फिर भी ठीक है, इन भैया को भी नहीं लग रही, बिल्कुल हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। हाँ, इनको लग रहा है। और बाकी वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, धुंध हो गई है तो आगे भी मिलेगा आई होप। तो चलो चलते हैं यहाँ से, कर लो फोटो, कोई फोटो खींच लो। गुड मॉर्निंग। तो बाकी वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ का भी, और रूम भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मतलब अभी तक मैं जा भी रुका था ना, वहाँ के हिसाब से यहाँ का मेरे को ठीक ठाक लगा, क्योंकि वहाँ जो गंगोत्री यमुनोत्री साइड था एक तो काफ़ी कॉस्टली भी था, और कॉस्टली भी मैटर था लेकिन जिस हिसाब से पैसा था उस हिसाब से सर्विस या फिर रूम नहीं था। बाकी यहाँ पे इस रूट पे ठीक है। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे, खींचना फोटो, क्या फोटो खींचना है? अच्छा चलो फिर फोटो खींचते हैं, पहले चलो पहले इनका फोटो खींच लेते हैं फिर बाकी ब्लॉग करेंगे। चलो आओ, चलो फोटो शूट करते हैं, आओ। सुबह ये फिर से एक चिकनी खा रहा हूँ क्योंकि बॉडी थोड़ा थोड़ा स्वीट मांग रही है, मीठा मीठा। और वैसा कुछ आगे दिखा दो, ऐसा धूप अच्छी खासी निकल रही है आज। Up really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Good day, wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some constant. Jump here, lag gaye yahan pe बद्रीनाथ हाईवे पे। अब देखते हैं कितनी देर में खुलता है। अभी आ गया बिल्कुल बद्रीनाथ के यहाँ पार्किंग में, और यहाँ से अब फ्लाईओवर छोटा सा पुल है, ये पार करके मंदिर की तरफ जाएंगे। पुल दिखाता हूँ, थोड़ा सा सस्पेंशन ब्रिज है ऐसे इस तरह का, ये पार करके सीधा माँ मंदिर है, वहाँ जाना है दर्शन करके बद्री विशाल जी के। तो बद्री विशाल जी की जय। और यहाँ से देखो और ब्रिज हिल भी रहा थोड़ा थोड़ा, ये शायद मिलिट्री के जॉब पर होंगे।
और नज़ारा देखो कितना सुंदर है यहाँ से। ये नज़ारा देखो बद्रीनाथ धाम का। यहाँ बद्रीनाथ धाम में धूप भी है और हवा चल रही है, तो ये जो पहाड़ बर्फ वाले ना उससे ठंडी हवा चल रही है, मतलब ठंडी इतनी लग रही है। तो और यहाँ से मैं मंदिर दिखा दो आपको, कितना सुंदर लगता है ये देखो बद्रीनाथ जी का मंदिर, कितना सुंदर लगता है ये देखो। तो फिर आगे की तरफ चलते हैं और हमारा ग्रुप तो पहले ही आगे पहुँच गया, वो भी फटाफट दर्शन करेंगे और नहाना भी है। यहाँ गर्म पानी का कुंड है तो वहाँ नहाना भी है। तो हालांकि पहले सुबह वहाँ से नहा के आ गए और पहले दर्शन करेंगे फिर जाके आराम से बैठेंगे गर्म कुंड में, क्योंकि मंदिर फिर 11:30 बजे भोग होता है और उसके बाद 12 बजे बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए। तो जल्दी फटाफट दर्शन कर लेंगे ताकि हमें 3-4 बजे तक वेट ना करना पड़े, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद आगे का शेड्यूल रहेगा। तो कोशिश करूँगा ये वाला रिपीटेड मैं यहीं तक रखूँगा और माड़ा का अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, मेरा मतलब ये है। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और यही रास्ता है मंदिर का, तभी मैं थोड़ा सा वीडियो ना थोड़ा लंबा शूट कर रहा हूँ, कि कोशिश रहेगा कि जो माड़ा विलेज का रहेगा ना वो मैं अलग से एक वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो ये कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ से, और हर जगह से बद्री विशाल जी के दर्शन हो ही रहे हैं यहाँ से, तो करते हैं। तो बस आगे मंदिर के पास और ये कुछ दुकानें जो हर मंदिर के बाहर आपको मिल जाएगी, जरूर दिखा दो। और देखते हैं, और थोड़ा भीड़ भी आज। और ये रहा मंदिर विशाल जी का मंदिर, लाइन पीछे से आ रही है काफ़ी वहाँ से। तो ये ले लिया प्रसाद और मंदिर की लाइन देख लो कितनी है, और अपना ग्रुप पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं होंगे यहीं के। और अभी भीड़ कुछ काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ चलो वहां तक है, देखते हैं फिर भी। अभी 10:24 में लाइन में लगे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में दर्शन होता है। और लाइन से देखो मंदिर यहाँ पे, और पीछे भी लाइन लगती जा रही है धीरे धीरे। आता नको लावूस, अंघोळ करायची आपल्याला, नको 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 आता। तो अभी ये यहाँ बद्री विशाल जी का टीका लगवाया है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो अभी भाई लोग बता रहे कैसा लग रहा है, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, फ्रंट कैमरे से बना नहीं रहा हूँ, बैक कैमरे से बना रहा हूँ। तो बता रहा कैसा लग रहा है। और ये सब भाई लोग सब लाइन में लगे हुए तब से, अपना एक बंदा गायब है, कौन? एक दो तीन, अच्छा पीछे है, अच्छा ये मैं एक गायब है। और लाइन भी लगे हुए बस पहुंचने वाले, बोल बद्री विशाल की। और ये तुलसी की माला ली है भगवान बद्री विशाल जी के लिए, और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है इसमें से, और बस लाइन आने वाला हमारा। तो लगभग पहुंच गए यहाँ मंदिर के पास,
अपना। अब बस देखते कितनी देर में नंबर आता है, तो दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं। और बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं। नमस्कार काका। और सब पहुंच गए। और ये भाई मिले, ये भी महाराष्ट्र से मिले हैं, तो ये भी ग्रुप में ज्वाइन हो गया हमारे साथ। और बाकी और लंबी लाइन बढ़ते जा रही है, तो फटाफट दर्शन करते हैं और बाहर मिलते हैं। अभी बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिया हूँ और मंदिर के परिसर में ही बैठा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ मंदिर का परिसर कैसा दिखता है। दर्शन करने के बाद यहाँ पे नीचे गर्म पानी का कुंडा है, आराम से नहाओ यहाँ पे आके, तो नहाने का पूरा बना रखा है यहाँ पे, नहाओ। और हमारे ग्रुप भी थोड़ा ये नहाने धोने के लिए अपना कर रहे हैं। अच्छा अब तो आएगा आएगा पूरा आएगा, नहीं नहीं अब आएगा पूरा, चले गए। आ रहा आ रहा, बढ़िया आ रहा। नीचे क्या क्या हो? हाँ चलो बोलो बदरी विशाल की जय। जय बोले बदरी विशाल की जय। चलो करो चलो लगो 1 2 3 चलो। आया था ये और यहाँ पे ना ये मड़ी भाई मिले हैं, मड़ी बैकपैकर। तो मैं दूर से पहचान गया, मैं कहा भाई का पूछे देख के पहचान गई मैं। तो बिल्कुल भाई के साथ बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई। और बहुत मतलब अच्छा ट्रैवल करते हो आपने, उनके राजपूत के साथ भी अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा के राजपूत के साथ भी किया और लोगों के साथ भी किया। मैं पूरा ट्रैक करता रहता हूँ और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता हूँ पूरा, मतलब बहुत अच्छा ट्रैवल करते हो, ठीक है ना, साइकिल से भी करते हैं, बहुत बड़ी हिम्मत है। बाकी मिलते हैं आगे, ठीक है ना। मंदिर का दर्शन हो गया फाइनली और दर्शन करके आप सीधा चल रहे आगे की तरफ। ए फोटो बनवाना दिले था आगे, मेरे को माड़ा माड़ा जाना है, तो कोशिश करूंगा माड़ा वाला एक सेपरेट वीडियो बनाऊं यहां से। तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इसी में मैं माड़ा विलेज का ऐड कर दूंगा, नहीं तो एक माड़ा विलेज का सेपरेट वीडियो बना के दूंगा आपको। तो मिलते फिर आगे, फिर यहाँ से निकलते आगे की तरफ चले। और ये साथ में आखिरी बार एक बार नज़ारा देख लो कि बद्री विशाल जी का दर्शन कर लो, फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो शॉपिंग चल रही है ये केदारनाथ। और अब कितने पीस देते छोटे वाले? इतने के एक 140। हम तीन लोग इस रूट से आ रहे हैं और बाकी के पांच लोग उस पहुंच गए कुछ उधर, अच्छा दो इधर है, बाकी उधर से शायद पहुंच गए वो। अब ये वाला ब्रिज क्रॉस करके जाना है, गाड़ी ऊपर खड़ी है अपनी, फिर निकलते हैं। ये ब्रिज ना पूरा हिल रहा है, देखो हिल रहा है ना ब्रिज, ये वो हिल रहा है, डर लगता है इसमें। ज्यादा कूदना नहीं, नीचे आ जाएगा, सस्पेंशन है ज्यादा।